बच्ची चौधरी साथियों, जिनका हम बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, किसानों, मजदूरों और संसद समाज के सर्वमान्य नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेता गण आए हैं। हम आप सबके समक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्य व्यवहार पर, माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व, आज देश में चर्चा के विषय है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर्वप्रथम श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के जाने माने चटों किसानों पिछड़ों दलितों और संसद भाइयों की आवाज है। मैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री जी का इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरे माने श्री धर्म सिंह सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के बहुत चर्चित नेता, माने धर्म सिंह सैनी साहब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक माननीय भगवती सागर जी, जो दलित समाज से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता है। श्री भगवती सागर जी विधायक है बिल्लौर कानपुर से, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनका स्वागत करते हैं। माननीय शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी विधायक सिकोहाबाद, सिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनका स्वागत करते हैं। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी विधायक तिंदवाड़ी, विधायक तिंदवाड़ी बांडा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी का और उनके सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी अमर सिंह जी, चौधरी अमर सिंह जी विधायक, विधायक सोरतगढ़ सिद्धार्थनगर, माननीय चौधरी अमर सिंह जी विधायक सोरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, भारतीय जनता पार्टी अपना दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। अब मैं पूरे साथियों को लेकर किसान यूनियन के समाजवादी पार्टी में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा हरिओम जी ने समाजवादी पार्टी को अपने पूरी यूनिट का समर्थन भी दिया और भारतीय किसान यूनियन ने भी।